Give the IUPAC name and common name of this compound. IUPAC name and the common name of this compound. Common name. Hariya, how many carbons are there? How many total carbon are there? 5. So means pent hai kuch. Common name to penti bolte ho. तो ये न्यू पेंटाइल है. इसमें ये चारों अगर 7 ऐसा बनता. ये न्यू पेंटाइल. अब ये करो, अब इसको आइसो बोल लो. करो नेमिंग. अरे अब टू मिथाइल कहाँ है? ये टू आ ही नहीं सकती पोजीशन. आप फिर एल्टी फंक्शनल ग्रुप को दोगे बेटे? प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को मिलती है, प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट को नहीं मिलती. नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से स्टार्ट होती है. देयर इज अ प्रेफरेंस ऑर्डर. अभी हम आगे भी रूल्स और करेंगे तो इवन फंक्शनल ग्रुप का भी ऑर्डर है कि किस फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे. और अगर आपके पास है ही फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट तो आपकी प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं. समझ आ रही है? अगर आप इससे नेमिंग करना शुरू करते हो 1 2 3 4 तब तो आपका फंक्शनल ग्रुप को फोर्थ पोजीशन मिल रही है. हेड ऑफ द फैमिली जो बता रहा है कि मैं अल्कोहल हूं, बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं. मेन फंक्शनल ग्रुप को आप लास्ट कैसे रख सकते हो? कभी भी नहीं रख सकते. अगर ऐसे भी काउंट करो 1 2 3 4 ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो लीस्ट नंबर इधर ही आएगा 3 3 4. तो 3 मिथाइल. अब ये कितने कार्बन एटम हो जाएंगे? 4. तो ब्यूटेन 1 ऑल. क्या करो करो, मैं वो भी कर देती हूँ. करो.
वन टू डाइमिथाइल प्रोपेन वन ऑल. दैट इज वन टू थ्री. तो वन टू डाइमिथाइल. नेम एंड आईयूपीएससी नेम. हरी अब यस सर बताओ कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम. इट इज मिथाइल इथेनोएट. इट इज मिथाइल इथेनोएट. कॉमन नेम क्या बनेगा? कौन से एसिड से आया है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? तो मिथाइल एसिटेट. मिथाइल एसिटेट. इसको ट्राई करो. अभी मैंने बनाया है कैसे ही. देखो ध्यान से जो पहले वाला किया है इसमें और इसमें फर्क क्या है.
उधर सी एस थ्री है, इसकी जहां पे एच है, यही फर्क है। तो आपने इस सी एस थ्री को क्या बोला, मिथाइल, तो इधर भी ये मिथाइल बन जाएगा, और ये क्या था, इथेनोएट, तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनोएट, ये क्या बन जाएगा, मिथाइल मिथेनोएट। अब मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, तो ये क्या बनेगा, मिथाइल फॉर्मेट। हाँ जी, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी ने, कहाँ है क्लोरो, क्लोरो किस पोजीशन पे, टू क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा इसका कॉमन नेम क्या है, कौन सा ब्यूटाइल क्लोराइड, डिग्री का फर्क है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन होगी, दिस कार्बन ऑन विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड इज सेकेंडरी। क्या बचने खत्म हो गई, खत्म हो चुकी है मेरी हिम्मत, क्यों हमने करी नहीं थी पहले, चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, मैंने कंडेंस कर दिया, एग्जाम में जैसे मर्जी आना है। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे बनेगा,
कौन सा फंक्शन रुपए पहले ये बताओ। ये एनहाइड्राइड एसिडिक एनहाइड्राइड, दो एसिड कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल निकला हुआ है। तो कौन से दो एसिड हैं, ये कौन सा एसिड है और ये कौन सा एसिड है? ये दोनों इथेनोइक एसिड हैं। तो ये क्या हो गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड? क्या अच्छा, इसी से ये बताओ ये क्या, एक तरफ तो मीथेन है क्या, दूसरी तरफ भी मीथेन है क्या? इथेनॉइक मिथेनॉइक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम क्या है? एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। हाँ जी, फर्स्ट का IUPAC नहीं। हरी अप, इथॉक्सी थे इन कौन से आ गए, मिथॉक्सी में थे तो मैंने जल्दी।
नेक्स्ट नेक्स्ट का कौन नेम हरी अप क्या नेम बोल रहे किसका कौन सा फंक्शन लग रहा है हमें एस्टर का ये तो कीटोन है रो इतने कार्बन है चार हैं तो और क्या ब्यूटेन टू ऑन या ब्यूटेन ऑन नेक्स्ट हरी अप कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन इथाइल मिथाइल कीटोन नेक्स्ट बताओ हाँ टेस्ट है आपका इसी ये भी चैप्टर आ रहा है टेस्ट में ये तैयारी है आपकी अभी घर जाके इन्होंने करना है ये घर जाके करना है कहाँ करवाया एल्डिहाइड है एल्डिहाइड करवाया अभी वो है वो दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ये एल्डिहाइड है कौन सा एल्डिहाइड है टेस्ट है आज टेस्ट वन इथेनॉल क्या दो कार्बन है एक ये रहा एक ये सारी करवाई हुई ना मेरी कहानी खत्म करवा दी जिन फंक्शन ग्रुप में अपना कार्बन होता है वो काउंट होती है चेन में ये नहीं करी आपने ब्यूटेनॉन कैसे लिख लिया फिर जब आप इथेनोइक एसिड लिखते हो क्या आप कार्बन काउंट नहीं करते फंक्शनल ग्रुप की कहां घूम रहे हैं हम अभी तक इथेनॉल और कॉमन नेम क्या है इसका एसिटाल्डिहाइड दिख रहा है आप टेस्ट कैसे देते हो कितनी ईमानदारी से सिंपल सिंपल तो आ नहीं रहे हैं नेक्स्ट बताओ जल्दी कौन से क्लोरो है ये फिर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है
अरेबियन टेस्ट है। ये हेलोजन है, ये एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड। ये इथेनॉल क्लोराइड, दिस इज इथेनॉल। फिर मैम समझ आ गया ये। मंदीप मैम कहते हैं आपकी क्लास के बच्चों को बहुत कुछ आता है, या मुझे पता है क्या आता है। एक बार ली होगी, इथेनॉल क्लोराइड कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटाइल क्लोराइड। क्या बनना है आपका, अभी सिंपल सिंपल नेमिंग नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्स पे पहुंचना हमने एग्जाम के बाद। जब फंक्शनल ग्रुप भी नहीं पता होगा तो नेमिंग कहां से कर लोगे। आपकी क्लास के आधे बच्चों में ना ताजा ताजा ट्यूशन पे करके आए ना, वो पूछते हैं हाँ याद है टीचर को, ठीक है आता है, ठीक है टीचर को आता है। बताओ कौन सा डेरिवेटिव, कौन सा माइड, इतना माइड कॉमन नेम। तो ये नाइट्राइड है, तो ये क्या है, अब इस बारी बच्चों के 20 में से 19-18 मार्क्स हैं, हमें पक्का शक हो है ना। पहले तो हमें ना थोड़ा डाउट था, अब हमारा डाउट यकीन में बदल जाना है। 2 घंटे में तैयारियां लगती हैं आपकी, जल्दी बोलो। फंक्शनल ग्रुप बोलो, दूसरा फंक्शनल ग्रुप बोलो, जल्दी हरी आप। ऊपर वाले का सिर्फ IUPAC नेम है, नीचे वाले का सिर्फ कॉमन नेम है। दोनों एम्बिडियंट है, दोनों NO2 है, एक से नाइट्रोजन अटैक करता है, एक से ऑक्सीजन अटैक करता है। पहले को बोलोगे नाइट्रो इथेन और दूसरे को बोलोगे इथाइल नाइट्राइट। नाइट्रो
बस हो गया।